हेलो बच्चों, आज हम रीजनिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एनालॉजी। एनालॉजी को हिंदी में बोलते हैं समानताएं। एनालॉजी का जो क्वेश्चन होता है वो प्रॉपर नॉलेज बेस्ड होता है। अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप आंसर दे पाओगे, अदरवाइज आप आंसर नहीं दे पाओगे। मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये नॉलेज बेस्ड है, क्योंकि ये जो हमारा रीजनिंग का चैप्टर है एनालॉजी, ये सारे सब्जेक्ट को कवर कर सकता है। इसका क्वेश्चन बायो से भी आ सकता है, फिजिक्स से भी आ सकता है, केमिस्ट्री से भी आ सकता है, नॉर्मल नॉलेज के ऊपर भी आ सकता है, लॉजिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा मैंने ये बात क्यों कही कि ये नॉलेज बेस्ड है। इस चैप्टर में ना कोई फॉर्मूला होता है, ना चैप्टर में कोई ट्रिक होती है, इसमें बस एक ही चीज काम आएगी आपको, वो होती है नॉलेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एनालॉजी। तो ध्यान रखना बच्चों, एनालॉजी, तो बच्चों ध्यान रखना एनालॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, समानता है। एनालॉजी का अगर मैं एक और नाम दूं इंग्लिश में तो वो होता है सिमिलैरिटी। क्या होता है? सिमिलैरिटी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, आपको क्वेश्चन किस टाइप से देता है एग्जाम में, जैसे आपको क्वेश्चन दिया, जैसे आपके अभी हरियाणा क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे हमको दिया यहां पर स्किन, ये आपका हरियाणा के एग्जाम में हुआ क्वेश्चन है, ये स्किन, स्किन के साथ हमको यहां दिया उन्होंने हेयर, देन हमसे पूछा अर्थ और पूछा यहां पे क्वेश्चन मार्क कि यहां पे क्या आएगा। तो इन क्वेश्चंस में हमको करना क्या होता है बच्चों, बस इतना देखो, यहां पे जैसा रिलेशन इन दोनों शब्दों के बीच में है, मैंने क्या कहा, जैसा रिलेशन इन दोनों शब्दों के बीच में है रिलेशन, वैसा ही बच्चों सेम रिलेशन यहां इन दोनों के बीच में होगा, एकदम सेम। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो, तो अब आप ये बताओ स्किन और हेयर के बीच में क्या रिलेशन है। हमको पता है स्किन के ऊपर हेयर ग्रो करते हैं, उगते हैं। ठीक है, तो वैसे अर्थ के ऊपर क्या उगता है, अब अर्थ के ऊपर तो बहुत सारी चीजें उगती हैं, लेकिन मैंने कहा सिमिलरिटी, तो हेयर जैसी सिमिलर चीज क्या होगी जो अर्थ के ऊपर उगती है, वो होती है ग्रास। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ग्रास। तो अब देखो, ये सिर्फ नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, इसमें कोई ट्रिक नहीं, सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए, एक लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, नॉर्मल एक नॉलेज के ऊपर। अब अगला, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया इंडिया, यहां दे दिया दिल्ली, अब आपसे पूछा बताओ यूएसए, यहां क्या आएगा। अब जो ध्यान रखना इंडिया और दिल्ली के बीच में क्या रिलेशन है, तो हमें पता है इंडिया की कैपिटल क्या होती है, दिल्ली, इंडिया की कैपिटल दिल्ली, तो बताओ यूएसए की कैपिटल क्या होती है, तो वॉशिंगटन डीसी, हमारा आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मुझसे कहा डॉग, यहां दे दिया पपी, फिर मुझे दे दिया कैट, मुझसे पूछा यहां पे क्या आएगा। अब आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन बनाना है, तो मुझे क्या पता है डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं, पपी, तो अब आप बताओ कैट के बच्चे को क्या कहते हैं, किटन, तो कैट के बच्चे को कहते हैं किटन। तो समझ गए होगे, तो आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं करना, पहली बात तो आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप इन दोनों शब्दों के बीच का रिलेशन बना पाओगे, देन सेम रिलेशन यहां लगा पाओगे। तो ये प्रॉपर क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, नॉलेज के ऊपर। जैसे हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे हमें दिया यहां पर, हमसे कहा प्लांट, प्लांट्स, यहां दे दिया बॉटनी, फिर हमको दिया एनिमल्स और हमसे पूछा यहां पे क्या आएगा। तो बच्चों बताओ इन दोनों शब्दों के बीच में क्या रिलेशन है, अगर नॉलेज होगी तो बता दोगे, नॉलेज नहीं होगी तो नहीं बता पाओगे। तो हमें पता है प्लांट्स की पढ़ाई को हम क्या कहते हैं, बॉटनी, तो बच्चों एनिमल्स की पढ़ाई को क्या कहते हैं, जियोलॉजी, तो आंसर क्या हो जाएगा, जियोलॉजी। ठीक है, अब बच्चों एक बार ध्यान रखना, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सीधे सीधे आपके नॉलेज बेस्ड होते हैं, लेकिन अगर इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर्स के ऊपर आते हैं तो उनका आंसर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। चलो उसका एक क्वेश्चन देखते हैं, ओके, अब नंबर के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने आपको दिया 3, यहां दिया 9, यहां दिया 4, यहां दिया क्वेश्चन मार्क। अब जो 3 और 9 के बीच का रिलेशन है वो काफी तरीके से बन सकता है, मुझे 3 से ये डिसाइड करना है कि 3 से 9 कैसे आया, अब बहुत तरीके से आ सकता है। तो अब जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, ऑप्शन के ऊपर। जैसे मैंने आपको ऑप्शन दे दिए ए बी सी डी, मैं दे दिया आपको यहां पर 7, मैं दे दिया 14, मैं दे दिया 13, मैंने दे दिया 9 दे दिया। अब आप अलग अलग लॉजिक सोचोगे, जैसे अब मैं सोचा यहां पे 3 3 जा 9, क्या रिलेशन बनाया मैंने, 3 3 जा 9, तो जो सेम जैसा रिलेशन यहां होगा वैसा ही रिलेशन यहां होगा। अब आप यहां करोगे तो बच्चे 4 3 जा 12, लेकिन ऑप्शन में 12
नहीं है। तो जो आपने सोचा वो यहाँ पे लॉजिक हमारा सेट नहीं हुआ, फिट नहीं हुआ, तो देन आपको कुछ और सोचना है। तो अब मैं सोच सकता हूं यहाँ पे बच्चों 3 का स्क्वायर 9, अगर मैं 3 का क्या कर दूं स्क्वायर 9, तो 4 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 16, तो ऑप्शन में 16 भी नहीं है, तो ये लॉजिक भी फेल कर गया। अब मैं ये सोच सकता हूं बच्चों 3 प्लस 6 9, तो बच्चों 4 प्लस 6 10, पर ऑप्शन में 10 भी नहीं है, देन मैं कुछ और सोचूंगा। तो अब मैं ये सोचता और ये सोच सकता हूं 3 टू जा 6 प्लस 3, तो यहाँ पे बच्चों 4 टू जा 8 प्लस 3 तो होगा 11, ऑप्शन में 11 भी नहीं है, तो और सोचो। तो अब मैंने यहाँ पे क्या सोचा, मैं देखा यहाँ पर, मैं करता हूं यहाँ पे 3 4 जा 12 माइनस 3, 3 4 जा 12 माइनस 3, तो अब 4 4 जा 16 माइनस 3 तो अब आया 13 और ऑप्शन में है, तो यही क्या हो गया बच्चों आंसर। तो ध्यान रखना जो नंबर वाला क्वेश्चन होता है उसका लॉजिक, उसमें बहुत सारे रिलेशंस बन सकते हैं, तो उसका रिलेशन हम डिसाइड कैसे करेंगे, कौन सा रिलेशन है, तो वो किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो ये बात ध्यान रखना, जो नंबर का क्वेश्चन होता है उसका रिलेशन ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक बात बताई, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करता हूं मैं एनालॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, ओके। तो देन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एनालॉजी से रिलेटेड, ओके बच्चों। अब हम करते हैं एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एनालॉजी के क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, नॉलेज के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो अब आपको मैं वही चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा कि किस प्रकार के एनालॉजी के क्वेश्चन नॉलेज के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे कि अब आप हमारा देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर 1 में दिया कप रेशियो लिप, क्या दिया है बच्चों कप रेशियो लिप, तो अब मुझे कप और लिप के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, और जैसा रिलेशन कप और लिप के बीच में होगा वैसा रिलेशन क्या होगा, बर्ड और ये जो क्वेश्चन मार्क वाला हमारे पास स्पेस है, ठीक है। तो अब आपको पहले ये सोचना है कि कप और लिप के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप क्या सोचोगे, अगर हम कप से कोई भी चीज़ पीते हैं किसकी हेल्प से पीते हैं, लिप्स की हेल्प से, बाकी और कोई रिलेशन तो होता नहीं, कप कप होता है, लिप लिप होता है, लेकिन अगर हम इनके बीच में रिलेशन बनाना चाहें तो रिलेशन क्या बनेगा कि कप से अगर हम कोई भी चीज़ पीते हैं तो किसकी हेल्प से पीते हैं, लिप की हेल्प से। उसी प्रकार अगर बर्ड को कोई चीज़ खानी होती है या पीनी होती है तो किसकी हेल्प से करेगी, बीक, बीक यानी उसकी चोंच। तो इसका बच्चों आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ बच्चों डी, बीक, ओके। तो ध्यान रखना लिप कप से अगर हमें कोई चीज़ पीनी है तो किसकी हेल्प से पियेंगे, लिप की हेल्प से। तो बर्ड अगर कोई चीज़ पीती है या खाती है किसकी हेल्प से करती है, चोंच, उसकी चोंच, चोंच यानी बीक। अब फॉरेस्ट से तो खाएगी नहीं, ग्रास से तो खाएगी नहीं, ओके। तो आंसर क्या हुआ, बीक। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया फ्लो रिवर, उसके बाद स्टैग्नेंट क्वेश्चन मार्क। तो अब पहले हमको ये सोचना है कि फ्लो और रिवर के बीच में क्या सोचना है बच्चों, फ्लो और रिवर के बीच में क्या रिलेशन है। तो अब मैं क्या कहूँगा, जो रिवर का पानी है वो फ्लो करता रहता है, रिवर का पानी क्या करता है बच्चों, फ्लो करता है। तो उसी प्रकार अब यहाँ पे हमको दिया स्टैग्नेंट, तो स्टैग्नेंट मतलब ठहरा हुआ। अब ठहरा हुआ पानी किसका होता है, तो अब आपको बताना है ठहरा हुआ पानी किसका होता है, तो रेन का पानी तो ठहरा हुआ नहीं होता, स्ट्रीम का नहीं होता, कैनाल का नहीं होता, तो ठहरा हुआ पानी किसका होता है बच्चों, पूल का। तो आंसर क्या हुआ, सी, ओके। अब हम बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमको दिया क्वेश्चन नंबर 3 पीकॉक इंडिया, हमसे पूछा गया बियर क्वेश्चन मार्क। तो अब हमको ये सोचना है फिर से कि पीकॉक और इंडिया के बीच में क्या रिलेशन है। तो अब यहां पर इंडिया का जो नेशनल बर्ड होता है वो कौन होता है बच्चों, पीकॉक। तो अब हमने यहाँ देखा बियर, अब देखो बियर बर्ड तो नहीं है पर बियर एनिमल हो सकता है, तो किसका नेशनल एनिमल हो सकता है बियर, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल बियर है, नहीं है, अमेरिका का है, नहीं है, इंग्लैंड का है, नहीं है, रशिया का नेशनल एनिमल क्या है, बियर। तो ध्यान रखना, अब यहाँ पे बच्चा कन्फ्यूज हो सकता है, यहाँ पे बर्ड की बात हुई या बियर की, लेकिन अब हमने ये देखा पीकॉक, पीकॉक नेशनल बर्ड है, किसका बर्ड है, इंडिया का। तब यहाँ पे बर्ड नहीं दिया, यहाँ एनिमल दिया बियर, तो बियर किसका नेशनल एनिमल है, रशिया का, ओके। तो आंसर क्या होगा, रशिया। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप देख रहे होंगे ये जो क्वेश्चन है प्रॉपर नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ अलग से पढ़ाऊं, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ कोई ट्रिक नहीं होती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों मुझको दिया आर्किटेक्ट, क्या दिया, आर्किटेक्ट।
और उसके साथ दिया बिल्डिंग। तो पहले मुझको ये सोचना है बच्चों कि आर्किटेक्ट और बिल्डिंग के बीच में क्या रिलेशन है। तो मैंने देखा कि आर्किटेक्ट उसको कहते हैं जो बिल्डिंग बनाता है, आर्किटेक्ट किसको कहते हैं जो बिल्डिंग बनाता है। तो अब यहाँ पे क्या दिया, स्कल्प्टर। स्कल्प्टर मतलब होता है बच्चों मूर्तिकार, जो मूर्तियाँ बनाता है। तो अब स्कल्प्टर क्या बनाएगा, मूर्ति, यानी आंसर क्या हुआ, स्टैच्यू। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चों यहां दिया मेल्ट, और मेल्ट के साथ दिया है लिक्विड। अब मेल्ट और लिक्विड के बीच में क्या रिलेशन है, तो अब हम देखेंगे मेल्ट और लिक्विड के बीच में क्या रिलेशन है। अब देखो लिक्विड जो कोई भी चीज जो मेल्ट होती है वो किसके फॉर्म में, मेल्ट होने के बाद क्या बन जाती है, लिक्विड। अगर मैं किसी भी चीज को मेल्ट करता हूं तो वो क्या बन जाएगी, लिक्विड। तो ध्यान रखना मेल्ट और लिक्विड के बीच में मैंने क्या रिलेशन बनाया कि कोई भी चीज अगर मेल्ट हो जाती है तो वो किसके फॉर्म में हो जाएगी, लिक्विड के फॉर्म में। वैसे अगर कोई चीज फ्रिज है, कोई चीज क्या है, फ्रिज, तो वो अब किसके फॉर्म में हो गई, सॉलिड के फॉर्म में। जब कोई चीज जम जाती है, जब कोई भी चीज कोई भी ऑब्जेक्ट जम जाती है तो वो किसका फॉर्म ले लेती है, आइस का नहीं लेगी, फोर्स का नहीं लेगी, किसका फॉर्म लेगी, सॉलिड का। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड। अगर हम किसी चीज को मेल्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, लिक्विड। तो किसी चीज को फ्रीज करते हैं, जमा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सॉलिड। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, सॉलिड। इसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, अब ये कोडिंग डिकोडिंग जैसे क्वेश्चंस हो गए। किसके जैसे क्वेश्चंस हो गए, कोडिंग डिकोडिंग जैसे। अभी जो हमने इससे पहले क्वेश्चंस किए थे वो सारे क्वेश्चन नॉलेज के ऊपर बेस्ड थे कि आपको उन बातों की नॉलेज है या नहीं। लेकिन अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कोडिंग डिकोडिंग की तरह है, जैसे हमने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा था। तो अब इन्होंने आर ई ए एस ओ एन का रिलेशन बना के दिया, ये एस एफ बी टी पी ओ। तो अब हमें सोचना है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो अब इनमें हमें यहाँ पे इनकी रैंक याद होनी चाहिए। जैसे आर की रैंक बच्चों कितनी होती है, 18। अगर मैं आर की रैंक बात करता हूं तो आर की रैंक कितनी होती है, 18। आर की रैंक बच्चों कितनी होती है, 18। ठीक है, उसी प्रकार अब एस की रैंक की बात करूं तो एस की रैंक कितनी होती है, 19। तो हमने देखा अगर 18 में एक जोड़ू तो 19 आएगा। ओके ठीक है, अब अगला लेटर चेक करते हैं। तो बच्चों ई की रैंक कितनी होती है, ई की रैंक होती है 5, और एफ की रैंक कितनी होती है, 6। तो अब मैं ई में भी 1 जोड़ दूं तो क्या आ रहा है, ई में 1 जोड़ दिया तो क्या आया, 6। मतलब 5 + 1 = 6, तो मतलब सही है। ए की रैंक बच्चों कितनी होती है, 1, और बी की रैंक कितनी होती है, 2। तो हमने फिर से देखा अगर मैं ए में +1 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2। तो मैंने देखा यहाँ पे जो लॉजिक चल रहा है, हर लेटर में +1 कर दिया, हर लेटर में क्या कर दिया, +1। तो उसी प्रकार हम थिंक में कर देंगे। तो अब टी की रैंक होती है बच्चों 20, टी की रैंक कितनी होती है, 20। तो 20 में 1 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 21, और 21 किसकी रैंक होती है, यू की। अब यू इसमें भी है, यू इसमें भी है, यू इसमें भी है, तो बी वाले ऑप्शन में भी यू है, सी वाले ऑप्शन में भी यू है, और डी वाले ऑप्शन में भी यू है। तो अगला लेटर देखते हैं। अब अगला लेटर बच्चों हमारा क्या है, एच। तो बच्चों अब एच की रैंक आप सबको पता है, एच की रैंक कितनी होती है, 8। ठीक है, तो अब 8 में अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो क्या आएगा, 9। तो 9 किसकी रैंक होती है, आई की। तो यू के बाद आई केवल किस में है, बी वाले ऑप्शन में आई है, बाकी इन दोनों में आई नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, बी, मुझे बाकी चेक करने की नीड नहीं है। तो यहां पे आर ई ए एस ओ एन में क्या लॉजिक लगा था कि सब में हर लेटर में +1 किया, तो वही सेम काम हम यहाँ करेंगे, थिंक और इस क्वेश्चन मार्क के बीच में हर लेटर में क्या कर देंगे, +1। तो हमारा आंसर आ गया बी। ठीक है, ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कोडिंग डिकोडिंग जैसा ही है। ओके बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख पा रहे होंगे नेशन का जो हमको रिलेशन दिया है वो दिया है ANTINO। तो मुझे फाइंड करना है नेशन और इसके बीच में रिलेशन क्या है। तो बच्चों हमने एक चीज नोट करो, यहाँ पर दोनों में नंबर जो लेटर्स हैं वो सेम है, NATION, इसमें आगे पीछे हैं लेकिन लेटर वही सारे हैं। तो ये जो यहाँ पर रिलेशन हो सकता है किसका हो सकता है, इंटरचेंजिंग ऑफ पोजीशन का। तो इसको चेक करने का सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, हम इसको जैसे नेशन है NATION, यही है हमारे पास। अब इसके जस्ट नीचे जो इसका हमें रिलेशन दिया वो लिख लेंगे तो देन हमको पता चल जाएगा कि इंटरचेंजिंग ऑफ पोजिशन किस प्रकार करी गई है। तो हम आया N, देन है T, देन है बच्चों I, देन है N, और देन हमको दिया है O। तो अब हमने देखा यहाँ पे क्या पाया कि जो स्टार्टिंग के दो लेटर हैं उन्हें आपस में क्रॉस कर दिया, मतलब इंटरचेंज कर दिया, A और N। T को उसी की पोजीशन पर रखा, I को उसी की पोजीशन पर रखा, उसी प्रकार अब लास्ट के जो दो नंबर हैं इनको भी आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज। ओके, तो ध्यान रखना
स्टार्टिंग के दोनों को आपस में इंटरचेंज किया, लास्ट के दोनों को आपस में इंटरचेंज किया और बीच वालों को सेम रखा। तो अब सेम का बच्चों हम किस में कर देंगे, हंगरी में। तो अब हमारे पास हंगरी है, तो एच यू एन जी आर वाई, ठीक है। अब तो पहला लेटर अब हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, यू, क्योंकि इन दोनों में इंटरचेंज करना, और दूसरा क्या बन जाएगा, एच। तो आप यही चेक करो यू और एच किस में दिया है, तो बच्चों यू और एच केवल दिया है बी ऑप्शन में, तो यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बाकी आगे करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मेरा यहीं से मुझे कन्फर्म हो गया मेरा आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर एट। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर एट भी सेम वैसा ही है, यहाँ भी हमें सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे फिर से कोडिंग डिकोडिंग वाला कॉन्सेप्ट है। तो मुझे मास्टर का कोड दे दिया ओ सी यू वी जी टी, तो यहाँ पे हमें रैंक याद होनी चाहिए। तो अब एम की रैंक कितनी है बच्चों, 13, और ओ की रैंक कितनी है, 15। तो मैंने देखा अगर मैं 13 में 2 जोड़ दूं तो बच्चों कितना आ जाएगा, 15। उसी प्रकार ए की रैंक कितनी है बच्चों, ए की रैंक होती है बच्चों 1, और सी की रैंक कितनी होती है, 3। तो फिर से अगर मैं देखूं, अगर मैं उसमें 1 में 2 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 3। अब एस की रैंक बच्चों कितनी होती है, 19। उसी प्रकार यहाँ पे यू की रैंक कितनी होती है, 21। तो 19 में 2 जोड़ दूं तो क्या हो रहा है, 21। तो बच्चों हमने क्या पाया कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो रहा है, +2। क्या हो रहा है, सब में हर लेटर में +2 हो रहा है। तो वही सेम काम हम लेबर में कर देंगे। तो एल की रैंक कितनी होती है बच्चों, 12। 12 में अगर मैं 2 जोड़ता हूं तो आता है 14, और 14 पे होता है बच्चों एन। तो एन किस में, सारे ऑप्शन में एन है। तो अब सेकंड लेटर देखो, तो सेकंड लेटर है बच्चों ए, और ए की हमारी रैंक कितनी होती है, 1। 1 में 2 जोड़ूंगा तो 3, और 3 पे क्या आएगा बच्चों, सी। तो अब सी किस ऑप्शन में, केवल फर्स्ट ऑप्शन में है। तो बच्चों अब यही मेरा क्या हो गया, आंसर। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ए। ओके, अब करते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फिर से देखो, ये हमारा कोडिंग वाला ही क्वेश्चन है। तो अब की बार दिया बी ई जी के, और रेशियो में दे दिया ए डी एफ जी। तो हमें इनके बीच में क्या सोचना है, रिलेशन सोचना है कि बी ई जी के और ए डी एफ जी का रिलेशन क्या है। तो हमने देखा बी की रैंक बच्चों कितनी है, 2, और ए की रैंक कितनी है, 1। तो मैं -1 कर दूं तो आ जाएगा। ई की रैंक कितनी है बच्चों, 5, और डी की रैंक कितनी है बच्चों, 4। तो फिर से मैं -1 कर दूंगा, आ जाएगा। ऐसी जी की 7, एफ की 6, -1, के की 11, और जे की 10। तो यहाँ पे जो बच्चों रिलेशन मिला मुझे, सारे लेटर में क्या हो रहा है, -1। तो सेम काम अब मैं इसमें कर दूंगा। तो अब सेम काम यहाँ करेंगे। तो पी की रैंक होती है 16, 16 में से एक गया बच्चों, पी की रैंक कितनी होती है, 16, 16 में से एक गया तो बच्चों कितना आएगा, 15। अब 15 पे क्या होता है, आप सबको पता है, ऑरेंज जूस ₹15। तो ओ, अब ओ केवल एक ही ऑप्शन में, बी में, पहला लेटर ओ किस में, केवल बी में। तो मुझे बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 10 में मुझको फिर से ये कोडिंग डिकोडिंग टाइप क्वेश्चन ही है। ए सी ई जी का मुझे को रिलेशन में दे दिया आई के एम ओ। तो फिर से मुझे चेक करना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो बच्चों ए की रैंक कितनी होती है, 1, और आई की रैंक बच्चों कितनी होती है, 9। तो अब 1 से 9 लाना मतलब +8, क्या हुआ है बच्चों, +8। अब सी की रैंक बच्चों कितनी होती है, 3, और के की रैंक कितनी होती है, 11। तो 3 और 3 में अगर मैं 8 जोड़ता हूँ तो फिर से 11। फिर E की रैंक 5 और M की 13। तो 5 में अगर मैं, 5 में मैं कितना जोड़ूंगा, 8, तो कितना आएगा, 13। तो बच्चों हमने यहाँ क्या लॉजिक पाया कि अब इन दोनों के बीच में रिलेशन ये है कि हर लेटर में +8 हो रहा है, हर लेटर में क्या हो रहा है, +8। तो उसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे अब Q की रैंक कितनी है, 17। अब 17 में अगर मैं बच्चों 8 जोड़ देता हूँ तो आता है 17 और 8 कितना होगा बच्चों, 25। और 25 पे बच्चों क्या आता है, Y। 25 पे बच्चों क्या आता है, Y। अब Y देखो, मेरे सारे ऑप्शन में पहला लेटर Y है, तो सेकंड चेक करेंगे। अब बच्चों S की रैंक कितनी होती है, 19। S की रैंक बच्चों कितनी होती है, 19। तो 19 में अगर मैं 8 जोड़ता हूँ तो 19 में 8 जोड़ूंगा तो बच्चों ये तो 19 और 8 तो 26 से आगे चला जाएगा। तो ध्यान रखना, ए बी सी डी में हमेशा साइकिल बन जाती है, ए बी सी डी में हमेशा क्या बन जाएगी, साइकिल। जैसे हमारा लेटर होता है क्या, ये होता है, जैसे मैं एंड के लास्ट के कुछ लेटर लिख देता हूँ, U, V, W, X, Y, Z। तो अब जब Z के बाद अब क्या आएगा आगे, तो Z के बाद फिर से क्या आ जाएगा बच्चों, A। Z के बाद फिर से बच्चों क्या आ जाएगा, A। तो अब मुझे 19 में अगर मैं 8 जोड़ता हूँ तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, ठीक है। 19 और 8 कितना हो जाएगा, 27। लेकिन 26 तक तो Z आ जाएगा, तो अब 27 कहाँ जाऊँगा, तो मैं 27 मतलब कहाँ पहुँच जाऊँगा, A पे,
ओके तो ध्यान रखना ए बी सी डी के बीच में हमेशा क्या बन जाती है, साइकिल। तो अब 19 में जब मैं 8 जोड़ता हूँ तो आता है 27। 27 का मतलब क्या होगा, 26 के बाद फिर से क्या आ जाएगा, 1। तो 27 मेरा किसका वर्क करेगा, 1 का काम करेगा। तो यहाँ पे 1 पे क्या होता है, ए। अब ए मेरे दो ऑप्शन में, बी में और सी में, तो अभी भी मेरा आंसर कन्फर्म नहीं हुआ। तो अब मेरे को तीसरा लेटर देखना पड़ेगा, तीसरा लेटर क्या बच्चों, यू। और यू की रैंक बच्चों कितनी होती है, 21। अब 21 में बच्चों जब मैं फिर से 8 जोड़ूंगा तो 21 और 8 होता है बच्चों 29। अब 29 किसका वर्क काम करेगा, जैसे 26 पे क्या होता है बच्चों, जेड, फिर उसके बाद 27, उसके बाद 28 और उसके बाद क्या आएगा, 29। तो 26 पे क्या होता है, जेड, तो 27 में फिर से क्या, अब क्या आ जाएगा, ए, फिर 28 पे बी और 29 पे सी। तो बच्चों सी ऑप्शन मैंने देखा, बी और सी दोनों में क्या है, सी सी है, तो मुझे लास्ट लेटर भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आया सी, अब मुझे लास्ट लेटर चेक करना है, तो अब लास्ट लेटर क्या है मेरा, डब्ल्यू, और डब्ल्यू की रैंक बच्चों कितनी होती है, 23। और 23 में जब मैं 8 जोड़ता हूँ तो बच्चों देखो फिर से वही बात, 23 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो 23 और 8 हो जाता है बच्चों 31। तो 23 के बाद क्या आता है, 24, 25, 26, ठीक है, 26, फिर देन 27, देन 28, 29, ठीक है। तो मैंने कितना जोड़ा था, 23 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 31, 29 के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, 30, देन हम लिखेंगे 31, ओके। तो अब आपको पता है 23 पे क्या आ जाएगा, 23 पे आता है W, ठीक है, 23 पे क्या आता है बच्चों, W। अब W में क्या, 24, 25, 26, 26 पे आया Z। अब 27 पे क्या लिखेंगे, फिर से A, फिर 28 का B, सॉरी 27, 27 हो गया, सॉरी 28 का बी, फिर 29 पे क्या आएगा, सी। थोड़ा देखो अभी ये राइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। और 30 पे क्या आएगा, डी, और 31 पे क्या आएगा, ई। तो बच्चों हमारा आंसर कौन सा होगा, सी, ई वाला, ओके। तो आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। उसके बाद अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में फिर से मुझे जेड आर वाई क्यू का जो मुझे रेशियो में दिया है, के सी जे बी, तो अब इसमें देखना क्या हुआ है। तो जेड की रैंक कितनी होती है, इनके बीच में रिलेशन बनाएंगे बच्चों फिर से। तो अब जेड की रैंक कितनी होती है हमको पता है, 26, पर यहां दिया इन्होंने 11। तो अब 26 से मुझे मिल रहा है 11, अगर मैं 11 लाना है तो मुझको कितना माइनस 26 से 11, तो क्या करा जाए सोचो, फिर आप लोग भी सोचो, 26 से मुझे 11 लाना है, ठीक है। तो कोई लॉजिक तो बन ही नहीं पा रहा, 26 अगर मुझको 11 लाना है तो मैंने देखा कोई लॉजिक तो बन ही नहीं पा रहा है। तो देन अब क्या करें, ओके चलो अगला लेटर चेक करते हैं। तो अगला लेटर क्या है बच्चों, 18, और 18 से दिया मुझे सी, तो 18 और 3 के बीच में भी कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा, इस बार तो कुछ गड़बड़ है बच्चों यहाँ पे। देखो एक बार ध्यान रखना, ये हमारा सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है कि हम लेटर की रैंक चेक करते हैं, ठीक है। तो हमने लेटर की रैंक देखी, तो लेटर की रैंक के बीच में हमें कोई सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा, यहाँ 26 है, यहाँ 11 है, यहाँ 18 है, आर की रैंक कितनी है 18, और सी की रैंक कितनी है 3। तो हमने देखा हमें इनके बीच में कोई सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा। तो देन अगर लेटर की रैंक के बीच में कोई सीक्वेंस नहीं बनना तो हम इनके बीच का गैप देख लेंगे, लेटर के बीच का बच्चों अब हम क्या देखेंगे, गैप, ठीक है। तो अब हम लेटर के बीच का गैप देखेंगे, पहले हम इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे लेटर के बीच का गैप, चलो लेटर के बीच का गैप देखते हैं। अब देखो यहां पर तो जेड की रैंक बच्चों कितनी होती है, 26, 26, और इसकी रैंक कितनी होती है, 18, Y की कितनी होती है, 25, और बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है Z, R, ठीक है, देन है Y, और देन है बच्चों हमारे पास यहाँ पे Q की रैंक है, Q। तो अब अगर हम बात करते हैं Z की रैंक बच्चों कितनी होती है, 26, R की कितनी होती है, 18, Y की कितनी होती है बच्चों, 25, और Q की कितनी होती है, 17। अब ध्यान रखना, जब लेटर के बीच में कोई सीक्वेंस नहीं बना, लेटर के बीच में कोई सीक्वेंस नहीं बना, तो देन हम क्या करेंगे, इनके बीच का गैप देखेंगे। तो अब हम देखें 26 और 18, तो 26 से क्या आ रहा बच्चों, 18। तो मैंने करा 26 में से मैं कितना घटा दूं, 8 घटा दूं तो क्या आ जाएगा, 18 माइनस 8। अब 18 से क्या आ रहा है, 25, तो 18 से 25 यानी मैं प्लस 7 कर दूं तो क्या आ रहा है, 25। अब 25 से बच्चों क्या आ रहा है, 17, तो 25 से आया बच्चों 17, तो देन मैं फिर से माइनस ही कर रहा हूं, तो माइनस फिर से क्या हो गया, 8। तो हमने क्या पाया,
इनके बीच का अगर ये गैप हम कब देखते हैं, जब बच्चों लेटर के बीच में कोई सीक्वेंस नहीं बनता तो हम क्या देखते हैं, इनके बीच का गैप देख लेते हैं। तो हमने देखा जेड और आर के बीच में 8 का गैप है, -8 देन +7 देन -8। तो अब वैसे देखेंगे अब अपने अगले लेटर का, जो हमें अगला दिया हुआ है उसके रिलेशन में क्या दिया है, के। अब देखो दोनों जगह रिलेशन सेम होना चाहिए बच्चों, तो के सी जे बी ये दिया है। अब अगर इनकी रैंक देखता हूँ तो के की रैंक कितनी है बच्चों, 11, सी की रैंक कितनी है, 3। तो जैसे अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में -8 का अंतर था जेड और आर के बीच में, वैसे अब यहाँ भी -8 का होना चाहिए, तो एकदम सही है, -8 का ही गैप है। अब सी की रैंक 3 होती है और जे की रैंक बच्चों कितनी होती है, 10, तो ऊपर +7 था, तो बच्चों यहाँ भी +7 ही होना चाहिए गैप में, तो हमने देखा एकदम सही है, क्या आ रहा है, +7। वैसे अब जे की 10 और बच्चों बी की कितनी होती है, 2, तो अब यहाँ पे फिर से -8 होना चाहिए जैसे ऊपर था। तो बच्चों मैंने देखा दोनों का रिलेशन, चाहे हमारा जेड आर, चाहे हमारा क्या हो जेड आर वाई क्यू, चाहे हमारा वो के सी जे बी, दोनों के बीच का गैप सेम है। तो सेम का बच्चों हम यहाँ करेंगे, अब देखेंगे हम पी की रैंक कितनी है, 16, डब्ल्यू की रैंक कितनी है बच्चों, 23, ओ की रैंक कितनी है बच्चों, 15, और वी की रैंक कितनी है बच्चों, 22। तो इनके बीच का गैप देखो सेम गैप वाला ऑप्शन ही हमारा क्या होगा आंसर। तो 16 से 23 लाना है तो मुझे करना होगा +7, उसके बाद 23 से 15 लाना है मतलब करना होगा माइनस, तो माइनस कितना हुआ बच्चों, 8। अब 15 से 22 लाना है तो बच्चों फिर से मुझे क्या करना है, +7। तो मेरा सीक्वेंस क्या बना इस बार गैप का, पहले +7 देन -8 देन +7, तो ऐसा मुझे देखना है ऐसा किस ऑप्शन में है। तो अब आपको चेक करना है किस ऑप्शन के बीच में ये सेम गैप है, जो हमारा यहाँ पे गैप आया +7 -8 और +7, वैसे ही अब किस ऑप्शन में है। तो अब बच्चों ये मिलेगा हमारा कौन से ऑप्शन में, तो बच्चों ये है अब हमारा ऑप्शन नंबर, चेक करें सी में आ रहा है। तो देखो सी की रैंक यहाँ कितनी है, 5, और यहाँ कितनी है, 12, मतलब +7, फिर 12 में से अगर मैं 8 घटा दूँ तो डी 4, और डी में फिर से +7 कर दूँ तो क्या हो रहा है, फिर डी में 4 में +7 कर दूंगा तो 11, एकदम सही है। तो आप चेक कर सकते हो इसकी रैंक है 5, इसकी रैंक है 12, इसकी रैंक है 4, और के की रैंक है 11। तो इनके बीच में सेम सीक्वेंस बना जो हमारा इस पी डब्ल्यू ओ बी में बना था, +7 -8 +7, तो सेम सीक्वेंस बनाए। ओके बच्चों, तो देन अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 में कंप्यूटर का ये कोड दे दिया, फिर से कोडिंग डिकोडिंग वाला ही काम है। कंप्यूटर का कोड क्या दे दिया, FQPRXVHT। तो अब फिर से चेक करेंगे, तो देखो पहले रैंक, पहले सीक्वेंस बनाएंगे लेटर के बीच में, इसकी रैंक है 3 और इसकी रैंक कितनी है बच्चों, 6, तो मैंने देखा +3 हो रहा है। फिर ओ की रैंक कितनी है बच्चों, 15, और क्यू की रैंक कितना है बच्चों, क्यू की रैंक होती है 17, अब यहाँ पे +2 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें 3 और 6 में क्या हुआ बच्चों, तो हमारा पहला जो सीक्वेंस आया 3 से 6 लाया तो हमने करा +3, देन 15 से 17 आ रहा है तो हो रहा है हमारा +2। तो अगला लेटर क्या है, M, और M की रैंक होती है बच्चों 13, M की रैंक कितनी होती है बच्चों, 13, और फिर P की रैंक कितनी होती है, 16। तो हमने फिर से देखा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, हमने फिर से देखा 13 से 16 लाना है, तो हमने देखा फिर से क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे +3। तो देन हमने आगे देखा पी की रैंक कितनी है, 16, पी की रैंक है 16, और फिर आर की रैंक है 18, तो हमने देखा 16 में 2 जोड़ूंगा तो 18। तो बच्चों हमने क्या पाया, इस बार जो सीक्वेंस बनना है, एक बार हो रहा है +3, एक लेटर में हो रहा है +3, फिर अगले लेटर में हो रहा है +2, तो +3 +2 का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो सेम काम हम यहाँ कर देंगे। तो अब बच्चों पहले लेटर में करना है +3, तो एल की रैंक होती है 12, 12 में 3 जोड़ूंगा तो बच्चों मेरा पहली लेटर क्या आएगा, जो 15 वाला किस वाला, ओ। अब मैंने देखा हर ऑप्शन में क्या है बच्चों, ओ। अब नेक्स्ट लेटर में क्या करना है, +2, तो ए की रैंक होती है बच्चों 1, और ए में अगर मैं 1 जोड़ता हूँ, 1 में अगर मैं कितना ऐड करना है सेकंड लेटर में, 2, सेकंड लेटर में कितना ऐड करना है बच्चों, 2, तो 1 और 2 होता है 3, 3 पे क्या आता है, सी। तो बच्चों अभी 3 ऑप्शन में सी है, बी सी डी, और बी में सी में और डी में सी ऑप्शन दिया है। देन मुझे अगला देखना है एन, एन की रैंक बच्चों कितनी होती है, 14, 14 में अगर मैं 3 जोड़ देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेटर में मुझे 3 जोड़ना है, तो 14 में अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो 14 3 17, 17 क्या होता है, क्यू, तो हमने देखा तीनों ऑप्शन में क्यू है, ठीक है। अगला लेटर देखते हैं, तो अब हमने यहां तक देख लिया, एन, जी की रैंक कितनी होती है बच्चों, जी की रैंक होती है 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, सम में आई दिया है। अब यू में फिर से 3 जोड़ेंगे, 21 और 3 24, तो एक्स वाला हमारा होगा आंसर। अब सी और डी में एक्स है, ठीक है, तो सी और डी तो लगभग सेम ही है बच्चों,
अगर हम देखें सी और डी ऑप्शन नहीं, सेम नहीं है, यहाँ जे है और यहाँ आई है, ठीक है। तो अब अगला लेटर देखते हैं, तो हमने देखा यहाँ पहले में हुआ, तो हम सीधे वही हम देखते हैं कि आई आएगा या जे आएगा। तो अगला लेटर देखो, एल में हमने 3 जोड़ा, ए में हमने 2 जोड़ा, एन में 3 जोड़ा, जी में 2 जोड़ा, यू में 3 जोड़ा, ए में 2 जोड़ा। तो अब जी, जी की रैंक कितनी होती है? 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, तो आंसर आएगा जे। तो सी ऑप्शन हो गया हमारा। ओके बच्चों, तो ध्यान रखना यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सी। तो देखो इनमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो समय नहीं लगेगा, लेकिन आपको रैंक याद है तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलो अब हमारे जो आगे के क्वेश्चन है वो सिंपल है, इनमें जो कोडिंग वाले होते हैं थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन सीधे सीधे, अगर आपको नॉलेज है तो आप कर पाओगे, नॉलेज नहीं है तो नहीं कर पाओगे। अब बच्चों कार्बन से हमारा क्या बनता है, कार्बन और डायमंड के बीच में रिलेशन देखना है। तो कार्बन और डायमंड के बीच में रिलेशन क्या है, अगर मैं कार्बन को मिलाता हूँ तो कार्बन का कहते हैं ना, कार्बन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, डायमंड। वैसे यहाँ पे ये कहते हैं भैया, ये है हमें कोरंडम, ठीक है। तो कोरंडम की जो कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, रूबी। अब इससे क्या बनता है, रूबी। अगर आपको इस बात की नॉलेज होगी तो आप कर पाओगे, नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे। तो देखो कार्बन से, कार्बन के कॉम्बिनेशन से बच्चों क्या बनता है, डायमंड। तो वैसे कोरंडम के कॉम्बिनेशन से बनता है रूबी। अब रूबी होता क्या है, रूबी वो नहीं होता आपने सुना होगा राशि के जो पत्थर आते हैं, तो ये जो पत्थर होता है वो होता है हमारा लाल रंग का पत्थर होता है। अब ये देखो, ये तो आप किसी पंडित से पूछ लेना जाके, ठीक है, कौन सा पत्थर है। लेकिन हाँ, कोरंडम से हमारा क्या बन, कौन सा पत्थर बनता है, रूबी, ठीक है। जैसे कार्बन से बनता है डायमंड, वैसे कोरंडम से बनता है रूबी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब ये डिजीज के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो आई और मायोफिया। तो अब ध्यान रखना, आई की बीमारी को बोलते हैं मायोफिया, अब टीथ की बीमारी को क्या बोलते हैं। तो अब टीथ की बीमारी इनमें से कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए, पायरिया, ठीक है। तो बच्चों टीथ की बीमारी क्या है, पायरिया। तो देखो यहां पर रिलेशन क्या बना, आई की बीमारी को हम क्या बोलते हैं, मायोफिया, तो टीथ की बीमारी को क्या बोलते हैं, पायरिया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, आंसर। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम आए 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कॉन्फ्रेंस के साथ रेशियो में दिया चेयरमैन। तो अब कॉन्फ्रेंस और चेयरमैन के बीच में क्या रिलेशन होगा, सोचो। अगर हम यहाँ सोचें कि कॉन्फ्रेंस और चेयरमैन के बीच में क्या रिलेशन है, तो अगर कोई भी कॉन्फ्रेंस होता है तो वहाँ पे जो सबसे हायर अथॉरिटी वाला पर्सन होता है, जिसका सबसे ज़्यादा ओहदा होता है, वो किसका होता है, चेयरमैन का होता है। कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर, बच्चों मैं किसके अंदर बात कर रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिसका ओहदा रहता है, ठीक है, हायर अथॉरिटी जिसके हाथ में रहती है, जिसके हाथ में कौन सी अथॉरिटी होती है, हायर अथॉरिटी, तो वो कौन होता है बच्चों, चेयरमैन। तो अब न्यूज़पेपर के साथ में क्या आएगा, रिपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रिंटर या एडिटर। तो ध्यान रखना, न्यूज़पेपर की जो हायर अथॉरिटी होती है वो किसके पास होती है बच्चों, एडिटर के पास। तो न्यूज़पेपर के साथ क्या आएगा, एडिटर, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, लगता है हमारा मीनिंग के ऊपर, जैसे हमारे वर्ड मीनिंग होते हैं। अगर हम बात करें सेफ और सिक्योर के बीच में क्या रिलेशन है, तो बच्चों सेफ का मतलब अगर हम देखें, सेफ का मीनिंग होता है सिक्योर। सेफ का मतलब क्या होता है, सिक्योर। वैसे बच्चों प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, अब प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, लॉक नहीं होगा, श्योर नहीं होगा, गार्ड। जैसे गार्ड क्यों हुआ, जैसे अगर आप अपने फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर गार्ड लगा लेते हैं, तो प्रोटेक्ट का मतलब क्या हुआ, गार्ड। तो जैसे सेफ का मतलब होता है सिक्योर, वैसे प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, गार्ड। अब बच्चों ये क्वेश्चन आ गए एनालॉजी के किसके ऊपर, नंबर्स के ऊपर, ठीक है। अब हमें यहाँ सोचना है कि 14 से 9 कैसे आएगा, जरा लगाओ दिमाग, 14 से 9 कैसे आएगा। तो बच्चों 14 से 9 कैसे आएगा, तो 14 से 9 कैसे आया, या आप जरूरी नहीं 14 से 9 लाओ, 9 से भी 14 ला सकते हो, दोनों में से कोई भी बात सोच लो कि 14 से 9 कैसे आया या 9 से 14 कैसे आया। तो अगर मैं ये करूं बच्चों, 9 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं, तो 9 टू जा 18 और माइनस 4 कर दूं तो कितना आ जाएगा, 14। तो अब 9 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया और 4 माइनस किया तो आया 14। अब मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है कि मैं उसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं, ऑप्शन में से कौन सा नंबर ढूंढना है कि ऐसा नंबर जिसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं और माइनस 4 करूं तो क्या आ जाए, 26। तो ऐसा कौन है, 15, ऐसा कौन है, 15। अगर मैं बच्चों 15 में अब 2 का मल्टीप्लाई करता हूं, 15 टू जा 30, और अगर इसमें अब मैं माइनस 4 कर देता हूं, तो बच्चों आंसर क्या आएगा, 26, एकदम सही है। तो अब 26 के साथ हमारा रिलेशन में क्या आ जाएगा यहां पे, 15।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या दिया है इन्होंने, 1, 2, 3 और इसके साथ रिलेशन में दे दिया 13 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर तो 123 नहीं होता, सोचो अब इनमें क्या किया उन्होंने। तो बच्चों आप देख सकते हो यहां पे जो मुझे नजर आया, जो 1 है ठीक है वो तो सेम रखा, 1 की जगह पे क्या रखा है इन्होंने, 1, और फिर जो लास्ट वाला नंबर है उसको बीच में ले आए, और जो सेकंड वाला नंबर है उसको कहां ले गए, पावर में ले गए। ओके तो मैंने देखो फिर से चेक करते हैं, जो 1 है बच्चों वो तो अपनी ही जगह पे है, अब जो लास्ट में 3 था वो सेकंड पोजीशन पे आ गया, 3 कहां आ गया, बीच में, और जो बीच वाला नंबर है वो कहां चला गया, पावर में। अब सेम काम यहां करके देखते हैं, तो 2 तो बच्चों अपनी जगह पे ही आएगा, 2 क्या आएगा बच्चों अपनी जगह पे आ गया 2। अब 5 जो लास्ट नंबर है वो कहां आएगा, बीच में, तो बीच में आ गया 5, और जो बीच वाला नंबर था वो पावर में पहुंच जाएगा, तो 5 की पावर 3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। तो देख रहे हो बच्चों आप क्वेश्चनों में अलग अलग लॉजिक मिल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड है तो कुछ में लॉजिक ही एकदम अजीब अजीब से है। तो अब बच्चों 3 से आया 12, 3 से क्या आ रहा है 12, एक तो हमारे दिमाग में छूटते ही आएगा 3, 4 जा 12, तो वैसे अब 5, 4 जा क्या होगा 20, पर ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मुझे अब कुछ और सोचना पड़ेगा। तो मैंने 3, 4 जा लिया 12, तो 5, 4 जा 20, तो अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब मुझे सोचना है इसमें और क्या किया होगा, जरा सोचो अब इसमें और क्या किया होगा, सोचो 3 से मुझे क्या लाना है बच्चों 12, तो अब 3 से 12 लाने के लिए अब मैं और क्या कर सकता हूँ, मुझे ये डिसाइड करना है। ओके जी करते हैं डिसाइड, 3 से 12, अगर बच्चों मैं 3 का स्क्वायर लेता हूँ तो 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9, अगर मैं 3 का क्या लिया स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस उसमें 3 कर दूँ तो 12 आ जाएगा। वैसे अब इसमें 5 में करके देखते हैं, तो बच्चों अब 5 का स्क्वायर क्या आएगा, अब जो जैसा रिलेशन हमने 3 और 12 के बीच में बनाया वैसे अब किसके बनाएंगे, 5 और क्वेश्चन मार्क के बीच में, तो मैंने किया 5 का स्क्वायर प्लस 5 क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 5 30, और 30 ऑप्शन में है, तो जो मैंने इस बार सोचा वो एकदम सही सोचा। तो बच्चों अब नेक्स्ट देखो, एक बार ध्यान रखना जो नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे मैंने जो पहला लॉजिक सोचा 3, 4 जा 12, तो 5, 4 जा क्या आया था 20, पर वो ऑप्शन में मौजूद नहीं था, तो जो मैंने सोचा वो बेकार गया, लेकिन जो मैंने इस बार सोचा वो एकदम सही सोचा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 क्या आ जाएगा 12, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 तो आ गया 30, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, तो आगे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में हमको दिया 24 से 60, तब मुझसे पूछा 120 से क्या आएगा, 24 से दिया 60 और मुझसे पूछा 120 से क्या आएगा, तो बच्चों अब अगर हम यहां पे देखते हैं क्या देखें क्या लॉजिक बनना है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें ये मल्टीपल मल्टीपल तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 24 में कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 से बहुत बड़ी संख्या चली जाएगी, इंटू 2 करूंगा तो कुछ होना नहीं, ठीक है तो कोई फायदा नहीं, इसको हम 24, 60 के बीच में क्या सोचते हैं, एक काम करो यहाँ पे इनको डिवाइड करके देखो 24, क्योंकि ये डिविजिबल है सेम टेबल से, मैंने क्या सोचा इसमें, मैंने क्या देखा ये दोनों नंबर सेम टेबल मतलब सेम टेबल से डिविजिबल, सेम नंबर से क्या है टेबल नहीं सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं 24 भी और 60, जैसे मैं 12 से करूं तो 12 2 जा 24 और 12 5 जा 60, तो क्या आया 2/5, तो हो सकता है सेम रिलेशन यहाँ हो, तो यहाँ पे हमको दिया है 120, तो अब मुझे ऐसा नंबर चुनना है डिनोमिनेटर में कि उनका रेशियो कितना आ जाए, डिवाइड करने पे क्या जाए 2/5 आ जाए, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हो सकता है, 160 नहीं होगा, 220 नहीं होगा, 300, अगर बच्चों मैं यहाँ पे 300 ले लूँ, 300 चेक करते हैं, अब मैंने यहाँ पे क्या ले लिया बच्चों 300, तो अब हम करते हैं, अगर बच्चों यहाँ 60 की टेबल ले लूँ तो 62 जा 120 और 65 जा 300, तो देखो कंफर्म हो गया, तो हमने इन दोनों के बीच में देखा कि अगर हम इनको डिवाइड करते हैं कट करते हैं आपस में तो ये बन गए 2:5, तो यहाँ पे अगर मुझे सेम रेशियो बनाना है 120 तो साथ में क्या लेना पड़ेगा 300, तो अब मैं अगर इनको भी कट करता हूँ तो रेशियो क्या बन जाएगा 2:5, तो 300 क्या हो गया बच्चों मेरा आंसर, ठीक है। अब आप कह सकते हो सर आपने सोचा कैसे, भाई देखो आप ध्यान से देखो 24, 60 सेम नंबर से डिविजिबल है, सेम नंबर से क्या है डिविजिबल है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ओके
अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है। अब इन्होंने दिया ग्लव और हैंड, ग्लव और हैंड। अब जी ग्लव कहाँ पहने जाते हैं? हैंड में। ग्लव कहाँ पहने जाते हैं? हैंड में। अब ग्लव हैंड में, जैसे अब यहां रिलेशन है, ग्लव पहने जाते हैं हैंड में। क्या नेक कॉलर में पहनी जाती है? नहीं। क्या टाई टी शर्ट, टाई शर्ट में पहनी जाती है? नहीं। क्या सॉक्स फीट में पहने जाते हैं? हाँ, सॉक्स इसमें पहने जाते हैं, फीट में। तो यही क्या है आंसर। तो बच्चों फिर से सुनना, ग्लव्स कहाँ पहने जाते हैं? हाथ में। ग्लव्स कहाँ पहने जाते हैं? हाथ में। क्या अब नेक कॉलर में पहने जाता है? नहीं। क्या टाई शर्ट में पहनी जाती है? नहीं। टाई मतलब शर्ट के अंदर पहनी जाती है? नहीं। सॉक्स कहाँ पहने जाते हैं? फीट पे पहने जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे ग्लव पहने जाते हैं हैंड पे, वैसे सॉक्स कहाँ पहने जाते हैं? फीट पे। तो मेरा यही क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेटर वर्ड। तो बच्चों लेटर के समूह को हम बोलते हैं वर्ड। बच्चों लेटर के समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्ड। तो ध्यान रखना, जो लेटर का समूह है उसको क्या बोलते हैं? वर्ड। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम देखें, पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। पेज के समूह को क्या बोलते हैं? बुक। तो बच्चों यही हो गया हमारा आंसर। अब प्रोडक्ट के समूह को फैक्ट्री नहीं बोलते, ठीक है? प्रोडक्ट तो बनने वाली क्वांटिटी होती है। क्लब के समूह को पीपल नहीं बोलते, और होमवर्क के समूह को स्कूल नहीं बोलते। तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या है? पेज के समूह को क्या बोलते हैं? बुक बोलते हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन। अब यहाँ दिया सनराइज, सनसेट। तब यहाँ दिया नून, मिडनाइट, मॉर्निंग नाइट, एनर्जेटिक, लेजी। तो अगर मैं सनराइज और सनसेट जैसा रिलेशन चुनूं, तो सनराइज का मतलब अगर हम देखें तो मॉर्निंग होता है, और यहाँ मॉर्निंग मौजूद है, और सनसेट का मतलब होता है नाइट। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन जो मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन है यहाँ पे क्या होगा? सी, के सनराइज सनसेट। तो ऐसी मॉर्निंग नाइट, जैसे सनराइज के बाद सनसेट होता है, वैसी मॉर्निंग के बाद क्या आती है? नाइट आती है। ओके, तो ध्यान रखना, तो यहाँ पे वैसे भी रिलेशन बनना है कि सनराइज मतलब मॉर्निंग और सनसेट मतलब नाइट। तो वैसे भी बन रहा है रिलेशन, और दूसरे तरीके से ऐसे बन सकता है, एक सनराइज होगा तो सनसेट भी होगा, तो मॉर्निंग होगी तो नाइट भी होगा। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग बेटर ऑप्शन क्या है? सी। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया कैंडल विक। अब देखो कैंडल मोमबत्ती तो सबको होता है, विक क्या होता है? जो मोमबत्ती के अंदर एक बत्ती होती है ना, बाती होती है, उसी को हम कहते हैं विक। तो कैंडल का एक पार्ट है विक। तो हैमर का पार्ट नेल नहीं, लाइट का पार्ट बल्ब नहीं, ओवन का पार्ट फायर नहीं। वैसे बाइसाइकिल का पार्ट क्या होता है? व्हील। ठीक है, जैसे कैंडल का पार्ट होता है बच्चों विक, विक मतलब बत्ती, बाती। तो वैसे बाइसाइकिल का पार्ट क्या होता है? व्हील मतलब पहिया। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको सिमिलर रिलेशन चुनना है, यहाँ पे कैसा रिलेशन चुनना है? सिमिलर रिलेशन चुनना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 है रिवर, और उसके साथ दिया ओसीन। तो बच्चों रिवर और ओसीन, तो रिवर कहाँ जाके मिल जाती है? ओसीन में। क्या चाइल्ड स्कूल में जाके मिलते हैं? नहीं, जम नहीं रहा। बुक लाइब्रेरी में जाके मिलती है? नहीं। लेन रोड में जाके मिल जाती है। जो लेन होती है सर्विस लेन, वो कहाँ जाके, मतलब कोई भी मतलब छोटी मोटी जो लेन बना देते हैं, वो कहाँ जाके मिल जाती है? रोड में। तो अगर मैं क्वेश्चन के जैसे सिमिलर कहूँ, रिवर कहाँ जाके मिल जाती है? ओसीन में। उसी प्रकार जो लेन होती है हमारी, जैसे हम कहते हैं सर्विस लेन, ये कहाँ जाके मिल जाती है? रोड में। तो आंसर बेटर ऑप्शन कौन सा होगा? सी। तो बच्चों देखो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किसके करे? एनालॉजी के। ठीक है, तो देखो मैंने प्रैक्टिस कराई कुछ क्वेश्चंस की, तो ध्यान रखना इसी प्रकार आपको, अब देखो आपको हो सकता है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने 25 क्वेश्चंस कराए, इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नॉलेज नहीं होगी, लेकिन करने के बाद नॉलेज हुई। उसी प्रकार बच्चों ध्यान रखना, इस चैप्टर में आप जितने और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो उतना बेटर है। ओके, तो बच्चों हमने ये आज एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी। ओके, अब इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको खुद से भी करने हैं, क्योंकि ये चैप्टर नॉलेज बेस्ड है। इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। तो ध्यान रखना, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। जो एनालॉजी के क्वेश्चन हैं एग्जाम में आते ही आते हैं। बाकी आपका बैड लक हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक जितने एग्जाम हुए, हर एग्जाम में एनालॉजी का क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है। और प्रैक्टिस की क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी नॉलेज होती जाएगी। तो देखो मैंने अपनी साइड से वर्क कर दिया, मैंने आपको समझाया कि रिलेशन किस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में रिलेशन, दोनों साइड हमेशा रिलेशन क्या रखते हैं? सेम रखते हैं। और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन में करना क्या होता है। अब आपकी बारी है, अब आपको खुद से मेहनत करनी है। आप जितने क्वेश्चन की मेहनत करोगे, आपको उतनी नॉलेज बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अब मेरी साइड की मेहनत हो गई, अब आपकी साइड की मेहनत स्टार्ट होनी है। तो आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।